हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद सोनी में। देखिए, ये हमारा जो कोर्स है वो यू वन लाइनर करंट अफेयर्स का है। इसमें हम लोग वन लाइनर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं जो कि पॉइंटर से मैगजीन से है। ठीक है, आप लोग के पास मैगजीन है, आप लोग दोहराते रहिएगा, लेकिन इसको पढ़ते चलिए। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो दोहरा जरूर लीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जो पीसीएस में आएंगे ये इसी मैगजीन से आएंगे। देखिए, ये 1 जुलाई 2017 से 4 जुलाई 2018 तक का इसमें दिया हुआ है। इससे पहले आरओ के टाइम में ये मैगजीन आई थी, और ज़्यादा और पीसीएस प्री में भी समय में आई थी 2017 की। ये इतनी अच्छी मैगजीन थी कि इससे ज़्यादा ज़्यादा प्रश्न इसी में से आए थे। ठीक है, तो बिल्कुल इसको इग्नोर मत कीजिएगा, आप लोग इसको जुड़ जाइए और इस जितना हो सके सॉल्व कर लीजिए, जिससे कि करंट अफेयर्स, देखिए 30 से 35 प्रश्न हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। क्योंकि देखिए, जो पहले के एग्जाम होते थे उसमें माइनस मार्किंग नहीं थी, इसलिए थोड़ा सा बेनिफिट था, लेकिन अब माइनस मार्किंग है। जब तक आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता होगा तो बिल्कुल आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर एग्जाम में जो पीसीएस के एग्जाम में, जहाँ तक आप खुद देखिए कि जो मुख्य भूमिका निभाता है सिलेक्शन का, वो हिस्ट्री और करंट अफेयर्स होता है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश स्पेशल। ठीक है, तो अगर जिसका हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और उत्तर प्रदेश स्पेशल तैयार है, तो अन्य जो सब्जेक्ट है उसमें अगर एवरेज मार्क्स भी मिल जाता है तब भी वो, या एवरेज नॉलेज भी रखता है तब भी हो जाता है। लेकिन आपको पढ़ना सब कुछ है, लेकिन मैं बात बता रही हूँ कि हिस्ट्री बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा, उत्तर प्रदेश स्पेशल। चूंकि देखिए, आरओ में इस बार 23 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, इसका मतलब है कि आरओ में पूछने के बाद पहली बार उसमें माइनस मार्किंग थी यूपीपीएससी के जो एग्जाम है। अब उत्तर प्रदेश से स्पेशल से प्रश्न ज्यादा आएंगे, आप देख लीजिएगा, बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं उससे पहले। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि जो नया वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जाएगी। तो देखिए, पहला इसमें क्या है, देश का पहला पुलिस संग्रहालय स्थापित कहाँ होगा? नई दिल्ली में। ठीक है, देश का पहला पुलिस संग्रहालय कहाँ पे स्थापित होगा? नई दिल्ली में। याद रखिएगा, देश का पहला, भारत का पहला पुलिस संग्रहालय स्थापित हो रहा है नई दिल्ली में। 27वां बिहारी पुरस्कार 2017 किसको दिया गया? विजय वर्मा को उनके निबंध संग्रह लोकावलोकन के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, 27वां बिहारी पुरस्कार 2017 किसको दिया गया है? विजय वर्मा को उनके निबंध है लोकावलोकन के लिए। ठीक है, तीसरा है, देखिए, 17 से 18 जून 2018 के मध्य 18वां अंतर्राष्ट्रीय आईसीटी, ठीक है, आईसीटी सम्मेलन आयोजित हुआ कहाँ? काठमांडू नेपाल में। ठीक, 17 से 18 जून 2018 के मध्य में 18वां अंतर्राष्ट्रीय आईसीटी सम्मेलन कहाँ पे स्थापित हुआ? वो आयोजित हुआ काठमांडू नेपाल में। ठीक है, देखिए, 4 जून 2018 को ब्रिक्स देश विदेश मंत्रियों की जो दूसरी औपचारिक बैठक कहाँ पे हुई? प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि 4 जून 2018 को ब्रिक्स देशों के मंत्रियों की दूसरी औपचारिक बैठक कहाँ पे हुई? प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, यहाँ पे, और तीसरा देखिए, और एक प्रश्न है, 31 जनवरी, तो ऐसे प्रश्न आ गए तो आप क्या है कि 31 मई 2018 को WTO का अनौपचारिक मंत्री स्तरीय सम्मेलन संपन्न 2018 कहाँ पे हुआ? अगर ये प्रश्न आएगा तो आप आसानी से बता सकते हैं, पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, 31 मई 2018 को WTO का अनौपचारिक मंत्री स्तरीय सम्मेलन संपन्न हुआ पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, 6 से 8 जून 2018 को महिला राजनीतिक नेत्रियों का वैश्विक शिखर सम्मेलन 2018 आयोजित हुआ कहाँ पे? विल्नियस, लिथुआनिया में। ठीक है, 6 से 8 जून 2018 को महिला राजनीतिक नेत्रियों की वैश्विक शिखर सम्मेलन जो है वो कहाँ पे आयोजित हुआ? विल्नियस, लिथुआनिया में। ठीक है, 23 से 25 मई 2018 के मध्य चौथा स्मार्ट सिटीज इंडिया 2018 एक्सपो आयोजित हुआ प्रगति मैदान नई दिल्ली में। ठीक है, 23 से 25 मई 2018 के मध्य चौथा स्मार्ट सिटीज इंडिया 2018 एक्सपोज कहाँ पे हुआ? प्रगति मैदान नई दिल्ली में। ठीक है, देखिए, 21 मई 2018 को भारत और रूस के मध्य पहला अनौपचारिक शिखर सम्मेलन 2018 संपन्न हुआ सोची शहर रूस में। देखिए, मैंने इसमें बताया था कि हम लोग उत्तर प्रदेश को पहले पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए इसमें गलती हो गई है, ये इसमें नेशनल इंटरनेशनल दोनों का आ गया है। एक लेसन जो था वो पार्ट, वो कल जो डाला था मैंने, इसमें अपलोड किया था लेसन को, वो था उत्तर प्रदेश से, इसमें दोनों हो गया है।
अगली बार से ध्यान रखूंगी। पहले हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल जो वो हुए हैं करंट अफेयर्स उसको पढ़ेंगे, उसके बाद नेशनल इंटरनेशनल पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए 21 मई 2018 को भारत और रूस के मध्य पहला अनौपचारिक शिखर सम्मेलन 2018 कहाँ पर हुआ? सोची शहर रूस में, ठीक है। 25 से 28 सितंबर 2018 के मध्य वैश्विक पवन शिखर सम्मेलन के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ पे हुआ? हैमबर्ग जर्मनी में, जर्मनी में, ठीक है। देखिए 25 से 28 सितंबर 2018 के मध्य, अभी ये हुआ नहीं है, होगा तो 25 से 28 सितंबर 2018 के मध्य वैश्विक पवन शिखर सम्मेलन के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ पर प्रस्तावित है? हैमबर्ग जर्मनी में, ठीक है। 7 से 8 जून 2018 के मध्य ट्रिप्स CBD आयोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2018 कहाँ पे आयोजित हुआ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। 7 से 8 जून 2018 के मध्य में ट्रिप्स CBD संयोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2018 कहाँ पे आयोजित हुआ? जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। 23 से 25 मई 2018 के मध्य यहाँ पे UNWTO कार्यकारी परिषद की 108वीं बैठक 2018 आयोजित हुई, कहाँ पे? सैन सेबेस्टियन स्पेन में, ठीक है। याद रखिएगा कि 23 से 25 मई 2018 के मध्य में UNWTO कार्यकारी परिषद की 108वीं बैठक जो आयोजित हुई 2018 में कहाँ पे हुई है? सैन सेबेस्टियन स्पेन में, ठीक है। 22 मई 2018 को, 22 से 23 मई 2018 के मध्य मिशन नवाचार मंत्री स्तरीय बैठक 2018 कहाँ पर संपन्न हुई? माल्मो स्वीडन में, ठीक है। 22 से 23 मई 2018 के मध्य मिशन नवाचार मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ पे हुई? माल्मो स्वीडन में हुई है, ठीक है। 21 से 22 मई 2018 के मध्य पांचवा भारत CMLV व्यवसाय सम्मेलन 2018 आयोजित हुआ, कहाँ पे? नोम पेन कंबोडिया में, ठीक है, नोम पेन कंबोडिया में हुआ है। देखिए कि 21 से 22 मई को पांचवा भारत CMLV व्यवसाय सम्मेलन आयोजित हुआ है नेमपेन कंबोडिया में, ठीक है। 4 से 5 मई 2018 के मध्य 19वां वार्षिक एनिमेशन मास्टर्स शिखर सम्मेलन 2018 कहाँ संपन्न हुआ? एक्नो पार्क कैंपस त्रिवेंद्रम केरल में। याद रखिएगा 4 से 5 मई 2018 के मध्य 19वां वार्षिक एनिमेशन मास्टर्स शिखर सम्मेलन 2018 कहाँ संपन्न हुआ? यहाँ पर टेक्नो पार्क कैंपस त्रिवेंद्रम केरल में, ठीक है। 17 से 19 मई 2018 के अंतर्राष्ट्रीय रेल कोच एक्सप्रो 2018 आयोजित किया चेन्नई तमिलनाडु में, ठीक। देखिए क्या है कि 17 से 19 मई 2018 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय रेल कोच एक्सप्रो 2018 कहाँ पे संपन्न हुआ? चेन्नई तमिलनाडु में, ठीक है। अगला देखिए 17 मई 2018 को संघाई सहयोग संगठन, बहुत महत्वपूर्ण है, ये बार बार पूछा जाता है। 17 मई 2018 को संघाई सहयोग संगठन के सांस्कृतिक मंत्रियों की 15वीं बैठक कहाँ हुई? सान्या हेनान प्रांत चीन में, ठीक है। संघाई सहयोग संगठन के सांस्कृतिक मंत्रियों की जो 15वीं बैठक हुई कहाँ? सान्या हेनान प्रांत चीन में, ठीक है। सान्या हेनान प्रांत चीन में, याद रखिए एकदम अच्छे से। 9 मई 2018 को भारत इथोपिया संयुक्त आयोग की दूसरी बैठक 2018 आयोजित हुई नई दिल्ली में, ठीक है। 9 मई 2018 को भारत इथोपिया संयुक्त आयोग की दूसरी बैठक आयोजित हुई है नई दिल्ली में। 15 से 19 अगस्त 2018 के मध्य विश्व रोबोट सम्मेलन 2018 का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? चीन में, ठीक है। 15 से 19 अगस्त 2018 के मध्य ये हो चुका विश्व रोबोट सम्मेलन 2018 कहाँ हुआ? चीन में संपादित हुआ, ठीक है। आज देखिए 21 तारीख हो गई है, 2 दिन पहले ये हो चुका है। 15 से 19 अगस्त 2018 के मध्य विश्व रोबोट सम्मेलन 2018 कहाँ आयोजित हुआ? चीन में, ठीक है। 9 से 11 मई 2018 के मध्य 6वां US भारत विमानन शिखर सम्मेलन 2018 आयोजित किया कहाँ? मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। 9 से 11 मई 2018 के मध्य में 6वां US भारत विमानन शिखर सम्मेलन 2018 कहाँ पे आयोजित हुआ? मुंबई महाराष्ट्र में। 29 से 30 अप्रैल 2018 के मध्य भारत दक्षिण अफ्रीका व्यावसायिक शिखर सम्मेलन 2018 आयोजित कहाँ पे हुआ था? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। 29 से 30 अप्रैल 2018 के मध्य भारत दक्षिण अफ्रीका व्यावसायिक शिखर सम्मेलन 2018 कहाँ पे आयोजित हुआ? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। पूछा जा सकता है भारत दक्षिण अफ्रीका व्यावसायिक शिखर सम्मेलन 2018 कहाँ हुआ? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। 8 से 9 मई 2018 के मध्य स्मार्ट सिटीज के
सीईओ का पहला बृहद सम्मेलन 2018 कहाँ आयोजित हुआ? भोपाल, मध्य प्रदेश में। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रख लीजिएगा कि 8-9 मई, 8 से 9 मई 2018 के मध्य में स्मार्ट सिटीज के सीईओ का पहला बृहद शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? यहाँ भोपाल, मध्य प्रदेश में। ठीक है, 10 से 12 मई 2018 के मध्य 15वां एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन आयोजन कहाँ किया गया? 2018 का नई दिल्ली में। ठीक है, 10 से 12 मई 2018 के मध्य 15वां एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन 2018 कहाँ पे आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 25 से 30 मई 2018 के मध्य आसियान भारत फिल्म महोत्सव 2018 संपन्न हुआ, नई दिल्ली में। ठीक है, 25 से 30 मई 2018 के मध्य आसियान भारत शिखर भारत फिल्म महोत्सव कहाँ पे हुआ? 2018 नई दिल्ली में। ठीक है, एकल सत्र में 3 सबसे ऊंचे पहाड़ों की उच्च चढ़ाई करके विश्व रिकॉर्ड बनाया किसने? नेपाल की महिला पर्वतारोही नीमा जांगुम जांगुम शेरपानी। याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ज्यादातर कंफ्यूज मत होइएगा जापान या यहाँ से, तो आप बता सकते हैं कि एकल सत्र में 3 सबसे ऊंचे पहाड़ों की ऊंचाई चढ़ करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है नेपाल की महिला पर्वतारोही नीमा जांगुम शेरपानी। ठीक है, नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली देश की सबसे युवा महिला कौन? हरियाणा की 16 वर्षीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक। ठीक है, नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली देश की सबसे युवा महिला कौन है? हरियाणा की 16 वर्षीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक। देखिए, नेपाल में ये एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, 22 से 27 मई 2018 के मध्य 8वां सार फिल्म महोत्सव 2018 कहाँ पे आयोजित किया गया? कोलम्बो, श्रीलंका में। ठीक है, 22 से 27 मई 2018 के मध्य 8वां सार्क फिल्म महोत्सव 2018 कहाँ पे आयोजित किया गया? कोलंबो, श्रीलंका में। ठीक है, देखिए, बहुत ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, संतो काबा मानवतावादी पुरस्कार 2018 किसको दिया गया? ठीक है, शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी को। ठीक है, सांतो काबा मानवतावादी पुरस्कार 2018 किसको दिया गया है? नोबेल शांति पुरस्कार जो जिसको मिला है कैलाश सत्यार्थी को। ठीक है, इनका जो वो है एनजीओ का नाम है बचपन बचाओ। ठीक है, हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतर राज्य विवाह शगुन योजना अंतर्गत प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि कितनी है? 2.5 लाख रुपए। ठीक है, हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतर राज्यीय विवाह शगुन योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि कितनी है? 2.5 लाख रुपए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हरियाणा ग्रामीण विकास हेतु विकास योजना के लिए चालू वित्त वर्ष में 2018-19 के लिए प्राविधानित राशि कितनी है? 500 करोड़ रुपए है। याद रखिएगा, हरियाणा ग्रामीण विकास योजना के लिए चालू वित्त वर्ष 2018-19 के लिए प्राविधानित जो राशि कितनी है? 500 करोड़ रुपए। प्रथम चरण में मध्य प्रदेश के 2 जिलों में 1-1 चयनित ग्रामों में गोवर्धन योजना शुरू की गई है। कहाँ पे? ग्वालियर जिले की ग्राम पंचायत चिरोली और नरसिंहपुर जिले की ग्राम पंचायत कोघटा में। याद रखिए, प्रथम चरण में मध्य प्रदेश के 2 जिलों में 1-1 चयनित ग्रामों में गोवर्धन योजना शुरू की गई है। कहाँ पे? ग्वालियर जिले की ग्राम पंचायत चिरोली में और नरसिंहपुर जिले की ग्राम पंचायत कोघटा में। तो चिरोली कोघटा याद रखिएगा, ठीक है, चिरोली कोघटा। नेक्स्ट देखिए, हिमाचल पुष्प क्रांति योजना शुरू की गई हिमाचल प्रदेश में उच्च मूल्य वाले फूलों की संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, हिमाचल पुष्प क्रांति योजना शुरू की गई हिमाचल प्रदेश में उच्च मूल्य वाले फूलों की संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए। देखिए, थैलेसीमिया रोगियों के लिए जीवन रक्षक ऐप प्रारंभ किया है किस राज्य ने? हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है, देखिए, थैलेसीमिया रोग के लिए, थैलेसीमिया एक प्रकार का कैंसर है, तो थैलेसीमिया रोगियों के लिए जीवन रक्षक ऐप, इसका नाम क्या है? जीवन रक्षक ऐप का प्रारंभ किया है किस राज्य ने? हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। जीवन रक्षक ऐप जो है किस रोग से संबंधित है? थैलेसीमिया रोगियों के लिए किस राज्य सरकार ने चलाया? हिमाचल प्रदेश सरकार ने। ठीक है, ऐसे प्रश्न आएगा, बता सकते हैं। भू सेवा भूमि केंद्र परियोजना प्रारंभ किया आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है, भू सेवा जो भूमि केंद्र परियोजना प्रारंभ किया किसने? आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। प्रत्येक भूमि खंड की जियो टैगिंग को पूरा करने वाला देश का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। याद रखिए, प्रत्येक भूमि खंड की जियो टैगिंग को पूरा करने वाला देश का पहला राज्य आंध्र प्रदेश बन गया है।
भारत की पहली वर्चुअल यह ब्रोंकोस्कोपी नेविगेशन प्रणाली स्थापित हुई है एम्स नई दिल्ली में। ठीक है, भारत पहली वर्चुअल ब्रोंकोस्कोपी नेविगेशन ये जो प्रणाली है वो स्थापित हुई है एम्स नई दिल्ली में। ठीक है, बच्चों के संरक्षण पर जागरूकता अभियान का संचालन किया है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और रेलवे द्वारा। बच्चों के संरक्षण पर जागरूकता अभियान किसने चलाया है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और रेलवे द्वारा। नेक्स्ट देखिए, राज्य में पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रदूषण उपशमन पौध अभियान पापा शुरू किया है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। देखिए, फूलों पर और थैलीसीमिया रोग के लिए जो एक ऐप शुरू किया है वो, और यहाँ पे राज्य में पर्यावरण संरक्षण को के लिए प्रदूषण उपशमन करने के लिए पापा शुरू किया है हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, खरीफ सीजन के दौरान सरकारी योजनाओं के विषय में किसानों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने हेतु तो कृषि महाभियान सह बीज विकास वाहन रथ प्रारंभ किया बिहार सरकार द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, खरीफ सीजन के दौरान सरकारी मतलब कि धान के यहाँ पे, तो खरीफ सीजन के दौरान सरकारी योजनाओं के विषय में किसानों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने के लिए कृषि अभियान सह बीज विकास वाहन रथ प्रारंभ किया बिहार सरकार द्वारा। पॉलीथीन उन्मूलन कार्यक्रम पॉलीथीन हटाओ पर्यावरण बचाओ अभियान संपन्न हो रहा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, पॉलीथीन उन्मूलन कार्यक्रम पॉलीथीन हटाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू हो रहा है ये भी हिमाचल प्रदेश में। मिशन लाक दोंग, ठीक है, मिशन लाक दोंग प्रारंभ किया मेघालय सरकार द्वारा। मिशन लाक दोंग किसने शुरू किया है? मेघालय सरकार ने। ठीक है, मिशन लाक दोंग किस सरकार ने? मेघालय सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। देखिए, मिशन लाक दोंग है क्या? हल्दी उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। ठीक है, लाक दोंग क्या है? हल्दी उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। देखिए, है कोल्हर प्रत्यारोपण जो है, देखिए यहाँ कोल्हर लिखा, लेकिन कोल्हा प्रत्यारोपण शल्य चिकित्सा हेतु नामित नोडल एजेंसी है अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान मुंबई। ठीक है, याद रखिएगा, कोल्हा प्रत्यारोपण शल्य चिकित्सा केंद्र नामित नोडल एजेंसी कौन है? अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान मुंबई। ठीक है, पूर्वी भारत जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजित किया गया कहाँ पे? पटना में। पूर्वी भारत जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? पटना में। दत्तक ग्रहण सम्मेलन आयोजित हुआ छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। दत्तक ग्रहण सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। मध्य प्रदेश में कृषक समृद्धि योजना अंतर्गत किसान महासम्मेलन आयोजित हुआ जबलपुर में। ठीक है, मध्य प्रदेश में कृषक समृद्धि योजना अंतर्गत किसान महासम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? जबलपुर में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यह है मिशन रफ्तार का क्या उद्देश्य है? मालगाड़ी तथा यात्री ट्रेनों की औसत गति को आगामी 5 वर्षों के दौरान 25 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाना। ठीक है, मिशन रफ्तार का क्या उद्देश्य है? मालगाड़ी तथा जो यात्री ट्रेनों की औसत गति को जो है अभी, उसमें आगामी 5 वर्षों के दौरान 25 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाना। ठीक है, योग पर स्वास्थ्य संपादकों का तीसरा सम्मेलन संपन्न हुआ कहाँ? मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली में। ठीक है, योग पर स्वास्थ्य संपादकों का तीसरा सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली में। बाल संरक्षण पर राष्ट्रीय परामर्श सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। 49वां राज्यपाल सम्मेलन राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है, 49वां राज्यपाल सम्मेलन आयोजित हुआ राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में। भारतीय वायुसेना का पहला अर्धवार्षिक कमांडर सम्मेलन आयोजित हुआ नई दिल्ली में। याद रखिए, भारतीय वायुसेना का पहला अर्धवार्षिक कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा कार्यशाला आयोजित की गई नई दिल्ली में। ठीक है, विश्व वन्य जीव कोष द्वारा कार्यशाला आयोजित की गई नई दिल्ली में। विश्व वन्य जीव कोष पर आयोजित कार्यशाला का मुख्य विषय क्या था? विषय जरूर याद किया करिए, पूछा जाता है, गंगा और इसकी जैव विविधता आवास एवं प्रजाति संरक्षण के लिए रोड मैप विकास। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 8वीं इंडियन हॉर्टिकल्चर कांग्रेस आयोजन प्रस्तावित है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ में। ठीक है, पहले तो ये जान लीजिएगा, मिलाने के लिए जीएस में आता है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? रायपुर छत्तीसगढ़ में है, पहले ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इंदिरा गांधी, ये 8वीं इंडियन हॉर्टिकल्चर कांग्रेस का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? ये है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ में। ठीक है,
8वीं इंडिया हॉर्टिकल्चर कांग्रेस का मुख्य विषय क्या है? भारतीय उद्यानिकी का भविष्य निर्माण। क्या है? भारतीय उद्यानिकी का भविष्य निर्माण। क्लाइमेट रेजिलेंस माउंटेन एग्रीकल्चर सम्मेलन आयोजित हुआ देहरादून उत्तराखंड में। ठीक है, क्लाइमेट रेजिलेंस माउंटेन एग्रीकल्चर सम्मेलन आयोजित हुआ देहरादून उत्तराखंड में। सिरुली क्या है? सिरुई लिली उत्सव का आयोजन स्थल है मणिपुर। सिरुई लिली उत्सव का आयोजन स्थल कहाँ पे? मणिपुर में। हाल ही में आईटी कंपनी इंफोसिस द्वारा अधिग्रहण किया गया अमेरिका स्थित वोंगडूडी होल्डिंग कंपनी को। ठीक है, हाल ही में आईटी कंपनी इंफोसिस द्वारा अधिग्रहण किया गया किसका? अमेरिका स्थित वोंगडूडी होल्डिंग कंपनी का। ठीक है, महिला सुरक्षा प्रभाग गठित हुआ है गृह मंत्रालय के द्वारा। महिला सुरक्षा प्रभाग किसके द्वारा गठित हुआ है? गृह मंत्रालय के द्वारा। महिला सुरक्षा प्रभाग के संयुक्त सचिव पद का किसको नियुक्त किया गया? पुण्य सलीला श्रीवास्तव को। ठीक है, महिला सुरक्षा प्रभाग के संयुक्त सचिव पद पर नियुक्त किया गया पुण्य सलीला श्रीवास्तव को। एडॉप्ट हेरिटेज अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना के तहत लाल किला दिल्ली और गांधी कोटा किला आंध्र प्रदेश को गोद लिया है डालमिया भारत ग्रुप ने। ठीक है, याद रखिएगा, एडॉप्ट हेरिटेज अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना के तहत लाल किला दिल्ली और गांधी कोटा किला आंध्र प्रदेश को किसने गोद लिया? डालमिया भारत ग्रुप ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य में वन्यजीव संघर्ष के दौरान मानव क्षति क्रमशः मृत्यु या गंभीर रूप से घायल होने की स्थिति पर मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी 5 लाख रुपए और 2 लाख रुपए। ठीक है, मृत्यु पर 5 लाख, घायल होने पर 2 लाख। देश का पहला राज्य जिसने अपना आधिकारिक हेलीकॉप्टर आम लोगों के आवागमन के लिए प्रदान किया है? हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, देश का पहला राज्य जिसने अपना आधिकारिक हेलीकॉप्टर आम लोगों के आवागमन के लिए प्रदान कर दिया है? हिमाचल प्रदेश ने। सोशल मीडिया मंच फेसबुक ने साइबर पीस फाउंडेशन के सहयोग से डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम शुरू करने के लिए साझेदारी की है राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ। ठीक है, याद रखिएगा, सोशल मीडिया मंच फेसबुक ने साइबर पीस फाउंडेशन के सहयोग से डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम शुरू करने की साझेदारी के राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ। अंतर्राष्ट्रीय वाहन प्रौद्योगिकी केंद्र आईकैट स्थापित है मानेसर हरियाणा में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वाहन प्रौद्योगिकी केंद्र आईकैट स्थापित हो रहा मानेसर हरियाणा में। हाल ही में ऑनलाइन नीलामी में रिकॉर्ड 26.4 करोड़ रुपए में बिक्री पेंटिंग काली के चित्रकार कौन है? तैयब मेहता है। ठीक है, काली के चित्रकार कौन है? तैयब मेहता पूछा जा सकता है। ऑनलाइन नीलामी में रिकॉर्ड 26.4 करोड़ रुपए में बिक्री पेंटिंग काली का चित्रकार कौन है? तैयब मेहता। अब देखिए ये क्या है, यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप विकसित रेल सूचना प्रणाली केंद्र द्वारा क्या किया गया? इंटरनेट के लिए एरोस्टेट तकनीकी बैलून का प्रयोग करने वाला देश का पहला राज्य है उत्तराखंड। हाल ही में स्टारलाइट कॉपर फैक्ट्री को बंद करने का आदेश जारी किया है। यह फैक्ट्री स्थापित है थूथुकुडी तमिलनाडु में। ठीक है, हाल ही में स्टारलाइट कॉपर फैक्ट्री को बंद करने का आदेश जारी किया है। यह फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित? थूथुकुडी तमिलनाडु में है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये समाप्त होता है हमारा लेसन। इसमें हम लोगों ने थोड़ा ज़्यादा हो गया था, मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि याद करना भी जरूरी है, बहुत ज़्यादा पढ़ा देने से याद नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ठीक है, हम नेक्स्ट लेसन में कोशिश करूंगी कि कम से कम उतना ज़्यादा ना बताएं कि समझ में भी ना आए। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि नया वीडियो जो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। धन्यवाद।